फोटो को पीडीएफ कैसे बनाए, वो भी अपने स्मार्टफोन से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास पड़ी इमेजेस को आप पीडीएफ बनाकर किसी के पास भेजना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ी है, कुछ कागज वगैरह पड़ी हुई है, कुछ पेपर वगैरह है जिसे आप स्कैन करके या फिर फोटो क्लिक करके आप उसे पीडीएफ बनाकर भेजना चाहते हैं, तो बिल्कुल आज के ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे हम एक इमेज को पीडीएफ बना सकते हैं, या फिर कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट रखी है उसे स्कैन करके हम पीडीएफ बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आज के समय पर व्हाट्सएप पर भी हम जो है एक इमेज को पीडीएफ बनाकर सेंड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर परेशानी ये होती है कि जब हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं, वहां पर हम डॉक्यूमेंट पर जाते हैं और किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं, तो एक बार में सिर्फ एक ही फोटो सिलेक्ट होती है। मतलब जितनी अगर हम वहां पर चार फोटो सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि हम चार फोटो सिलेक्ट करते हैं, तो जब उसे हम सेंड करेंगे तो चारों अलग अलग पीडीएफ बनकर चली जाती है, एक ही पीडीएफ के अंदर चारों पेज नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में आपको एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, पीडीएफ मेकर के बारे में, जिसकी मदद से जो है आप एक ही पीडीएफ के अंदर जितना चाहे उतना पेज एड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आप किसी के पास उस पीडीएफ को भेजेंगे तो सिर्फ एक ही पीडीएफ के अंदर आपका सारा पेज वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी लाइन से आप जैसा सेट किए रहेंगे उस तरीके से। मतलब एक ऑफिशियल पीडीएफ बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देख लेना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे भी दबा लेना, क्योंकि आपको इस प्रकार एक नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती रहेगी। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको चले जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर क्लियर स्कैन। यहाँ पर मैं सिंपली देख सकते हैं टाइप कर रहा हूँ क्लियर स्कैन, देख सकते हैं यहाँ पर आगे क्लियर स्कैन। यहाँ पर क्लियर स्कैन वाली जो एप्लीकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर स्कैन फ्री डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप पीडीएफ स्कैनिंग, यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको। इसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेनी है। मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ, सिंपली मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको इंस्टॉल करके सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अलाउ कर देनी है। अलाउ कर दिया हमने, अब बिल्कुल ऐसा ही आपको भी देखने को मिलेगा सेम ऐसा पेज। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं दो ऑप्शन मिल रहा है, एक कैमरे का और एक इमेजेस का। अगर आपके पास कोई कागज पड़ी है, कुछ पेपर पड़ी है जिससे आप फोटो क्लिक करके सीधा मतलब स्कैन करके पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो आपको कैमरे पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है। अगर आपके पास इमेज पहले से पड़ी है उसे पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपने फोन के कैमरे से अच्छे से फोटो क्लिक कर लीजिए, उसे गैलरी में सेव कर लीजिए, इसके बाद आप क्या करें इमेज पर चले जाइए। फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम इसमें से स्कैन करते हैं तो उतनी खास क्वालिटी देखने को नहीं मिलती जितना हमें फ़ोन के कैमरे से मिलती है। तो फ़ोन के कैमरे से अच्छा से जितना आप चाहते हैं उतना फोटो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर इमेज पे क्लिक करना है, ऐसा पेज खुल करके आएगा। इसके बाद आपके पास जितने भी इमेज रहेंगे सब यहाँ पर आ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप इमेज, स्क्रीन शॉट, पिक्सार्ट डाउनलोड, सभी इमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर यूवर क्यूट को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी इमेजेस पड़ी है, मतलब जिसे मैंने यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं। इन सबको मुझे एक पीडीएफ बना करके भेजनी है। तो मान लीजिए मुझे एक साथ पांच इमेज को पीडीएफ, मतलब एक ही पीडीएफ के अंदर पांच इमेज सेट करनी है, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, पेज फाइव करके। तो यहाँ पर क्या करना है, जिस इमेज को आपको फर्स्ट पेज पर रखना है उसको पहले सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसे मैं सिलेक्ट कर लिया, एक दो तीन चार पाँच। अब जब हम पीडीएफ इसे बनाएंगे तो पीडीएफ में भी सेम इसी प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर ये वाला आएगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फाइव नंबर पर ये आएगा। तो जिसे आप पहले हम रखना चाहते हैं उसे पहला क्लिक करें, दूसरा हम रखना चाहते हैं उसे दूसरा क्लिक करें, मतलब इसी हिसाब से आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। अब ये हो गया सिलेक्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं पाँच इमेज को यहाँ पर पीडीएफ बना रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप जितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है, देख सकते हैं ओके, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लियर, मतलब जो ब्राइटनेस वगैरह होती है इसे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ओके पे क्लिक करना है, इस प्रकार से ओके पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्टमेंट आ गई, यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली इस प्रकार से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, सेम इस प्रकार से आपको भी सभी को एडजस्ट कर लेनी है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया, यहाँ पर इस कोने को खींच देते हैं, ठीक ऐसा ही आपको एडजस्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट का बटन देख सकते हैं, राइट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये सेकंड वाला आ गया, इसको भी सेम इसी प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेनी है, देख सकते हैं मैं इसे भी एडजस्ट कर लेता हूँ, ये भी हो गया देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको राइट पर क्लिक करनी है, इसके बाद इसे भी हम इससे इसी प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक जैसे कि हमने बाकियों को किया, यहाँ पर इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये भी एडजस्ट हो गया देख सकते हैं। इसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है, अरे लास्ट वाला आ गया, इसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से, देख सकते हैं मैंने एडजस्ट इसे भी कर लिया। अब राइट पर हम क्लिक कर दिए, सॉरी लास्ट ये वाला है, इसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से,
ये भी हो गया इस प्रकार से, देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा से आपको फीचर मिल जाता है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार कट छट करनी सब चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब आपको राइट पर क्लिक करना है, देख सकते हैं इस पर क्लिक किया, ये पीडीएफ प्रोसेसिंग में आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तो हमारा जो पीडीएफ वो बन गया, रेडी हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं शेयर का बटन दिख रहा है, शेयर और मोर, तो आपको शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आप जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं नाम दे सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है टेच किंग संदीप, टेच किंग संदीप। और हाँ फ्रेंड, चैनल से याद आ गया, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। ये हो गया, अब यहाँ पर हमने चैनल का नाम सॉरी अपने फाइल का नाम तो दे दिया। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें पासवर्ड लगाना, कि बिना पासवर्ड के वो पीडीएफ को कोई भी व्यक्ति ओपन ना कर सके, यहाँ पर आप पीडीएफ भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप पीडीएफ डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड रख दिया। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आप पासवर्ड बनाए उसे 8 अंक से ऊपर बनाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं यहाँ पर 1 से 8 तक के यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। ये हो गया, अब यहाँ पर नाम दे दिया हमने, पासवर्ड भी डाल दिया। अब यहाँ पर फाइल साइज भी दिखा रहा है, देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आप इसे जहाँ भी भेजना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए मुझे सिंपली इसे मेल करनी है, तो यहाँ पर मैं क्या किया जीमेल पर क्लिक किया, और यहाँ पर सिंपली जिसके में भी हम भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इसे भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर दिया ये वाली, यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी टाइप कर दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं PDF, या जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर कुछ और टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली सेंड पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये सिंपली सेंड हो जाएगा फ्रेंड्स। और छोटी मोटी एड आते रहती है, आपको इसको इग्नोर करनी है क्योंकि फ्री का एप्लीकेशन है, एड आती रहती चलता है। यहाँ पर इसे कट भी हम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस तरीके से जो है आप एक चुटकी में पीडीएफ बना सकते हैं, देख सकते हैं बड़ी आसानी से पीडीएफ बना करके शेयर कर सकते हैं, और वो जो पीडीएफ है वो शेयर हो गया फ्रेंड बड़ी आसानी से। अगर आप देखना चाहते हैं पीडीएफ को तो यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं, मैं फिर से आपको बता दूँ यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली आप स्क्रॉल कर करके देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 1 यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, 1 यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसा आप जो आपका पीडीएफ है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ बना करके शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने से टिप मिला तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में 1 घंटे को भी दबाएं, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर भी कई प्रकार की वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो बेफिक्र होकर मुझे कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उसकी भी वीडियो बना करके चैनल पर डाल दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।